लेके चल रही हूँ। हमारे भाई भाई लाल निषाद जी, ग्राम चकौड़ थाना मऊ, आपकी तरफ से 21 मुद्राओं का ये पुरस्कार है। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। भैया थोड़ी चाटी की आवाज बढ़ा दें, चाटी बढ़ा दें हमकी चाटी की आवाज। क्या बहुत अच्छे एक गीत आया और कहा फिल्म वालों ने, फिल्म वाले बहुत गदर गाते हैं आजकल। अरे पहले सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया, कैसा जादू किया तूने मुझे, ओ जादू है। ओ सैया ले गई जिया चल रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। और बता रही हूँ। हाँ, ये रिश्ता अलग है। जो देखने में कुछ और लग रहे हैं, हाँ, लेकिन हकीकत में है कुछ और। समझते रहना भाई साहब। ऐसे रिश्ता बता रही हूँ जो देखने में कुछ और लग रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और है। और क्या, जैसे कैसे जिस समय भगवान श्री राम और माता जानकी के नैनाचार हो गए फूल बगिया में, नैनाचार हो गए। हाँ, सखी बन करके आ गए। माता की सहेली बन करके आ गए भाई। वाह, और सहेली का नाम था चारुशीला। शीला, शीला नहीं चारुशीला, सॉरी। सखी का नाम है चारुशीला। भगवान श्री राम के भी और माता जानकी भी, दोनों के मन में ये भाव उत्पन्न है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ आपस में बातचीत कर लें। लेकिन जब बारी आ गई वरमाला पहनाने की, तो लज्जा
नजरें ऊपर नहीं उठ रही हैं। ऊपर नहीं उठ रही है ना, लेकिन मन में भाव क्या चल रहा है क्या सुनिएगा। आपकी तरफ से ये 50 रुपए हमारे राम बाबू भैया के लिए हैं। ऊपर वाले जेब में रखना बेटे। अब देखिए पहली बार तो नैना चार फूल बगिया में हो गए। हाँ भैया जी, अब नैना चार तो हो गए, लेकिन लेकिन हनुमान जी माता जानकी के मन का भाव समझ गए। क्या बात है, जो उनकी सखी बने हैं। हुआ क्या, क्या हुआ, और रघुवर से मिलन की आशा है, और हनुमान ने ये जानी अभी पूरा श्रृंगार किए हुए हैं। लेकिन जो हनुमान जी महाराज है वो भी नारी बने हुए हैं, वो भी श्रृंगार किए हुए हैं। क्या बात है, तो सीता जी और हनुमान जी को देख के ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सजनी से साजन का देखो भैया, सजनी से दोनों दुल्हन लग रहे हैं, लेकिन रिश्ता उनका हकीकत में माँ और ललन का है। क्या बात है, देखने में लगती दोनों वो सुंदर दुल्हन, तो लेकिन रिश्ते में
विशेषता ये है भाई साहब, गाने में तीन नारियां हैं और नारियां तो श्रृंगार करती ही है, और क्या, लेकिन खास बात यह है कि जो पुरुष है वो भी नारी बने हुए हैं। मामला ये है जो पुरुष है वो भी नारी बने हुए हैं, समझते रहना। अब देखिए पहली पंक्ति है कि देखने में लगती है सुंदर दुल्हन लेकिन रिश्ते में है दोनों माँ और ललन। अब दूसरी बात देखें आप, क्या है, माता पार्वती जब महाराज देखने के लिए जाने लगी, बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी कहाँ जा रही हो, देवी कहाँ जा रही हो, माता ने कहा स्वामी स्वामी जहां मैं जा रही हूं वहां केवल महिलाएं जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं, पुरुषों की नो एंट्री है वहां पर। और स्वामी अगर आप जाओगे तो फिर आपको भी नारी बनना पड़ेगा, समझ ले। शंकर जी ने कहा देवी अब नारी बनने के लिए तैयार है, वही बात, लेकिन जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। माता ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं मानते हो तो चलो। हुआ क्या, क्या हुआ, तो गौरासन बने सुंदर नारी, भैया अरे गौरासन बने सुंदर नारी, क्यों क्यों, कन्हैया ताड़ गए, समझ गए, कन्हैया बोले राधा देखो सारी गोपियां तो नाच रही हैं, आज ये कौन सी नई गोपी आई है, मोटी ताजी है, आज ये कौन सी नई गोपी आई है, बड़ी अलग अलग लग रही है, और क्या, ना तो किसी से बोल रही है ना तो नाच रही है। कन्हैया नहीं माने और आए, सीधा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया और जैसे ही बाबा का घूंघट खोला तो जिसको गोपी समझ रहे थे वो गोपा निकल आए। बढ़ गया भेद, वहीं पर बाबा का एक नाम पड़ गया गोपेश्वर। जय जय हो, तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या, अरे रसिया जो रसीले पनवारी, अरे कैसी है किशन की कलाकारी, अब सरगम भैया माता पार्वती और भोलेनाथ जब तैयार होकर जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था सजनी से साजन का देखो, अरे सजनी से साजन का देखो होता मिल, अरे ऐसे लग रहे थे दोनों लोग, कैसे देखने में लगते दोनों वो सुंदर दुल्हन लेकिन रिश्ते में है दोनों, देखो सजनी और सजन। मतलब ये है देखने में कुछ और लग रहा, हकीकत में कुछ और है, और क्या, देखने में लगते दोनों वो सुंदर दुल्हन तो लेकिन रिश्ते में है दोनों, देखो सजनी और सजन। आखिरी बात देखें भाई साहब, क्या है बेटा, क्या है,
कन्हैया लाल को ये पता चला क्या? अच्छा, ये हमारे विवेक भैया के पिताजी हैं और आपके माध्यम से ये 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। क्या बात है, विवेक भैया को और आदरणीय पिताजी को हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, धन्यवाद है। सुने आप, कन्हैया लाल को जब ये पता चला कि आज भीष्म पितामह दुर्योधन की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने वाले हैं, कन्हैया लाल ने अपनी चाल चल दी। ओहो, चाल चल दी कैसे? कैसे कन्हैया लाल सीधे दौड़े दौड़े गए और द्रौपदी से कहने लगे, बोले बहना सुनो, आज तुमको एक काम करना है। क्या? तो कहा क्या काम करना है? कहा सुनो सुनो, अरे केशव की ये सारी माया है, बहुत सुंदर। अरे केशव की ये सारी माया है, कन्हैया ने क्या किया? क्या किया? के नारी रूप अजब बनाया है, कन्हैया नारी बनकर के द्रौपदी के पास गए और बोले बहना बहना चलो मेरे साथ, चलो चलो। कहां कहां? अरे पांचाली को संग ले धाया है और सौभाग्यवती, कन्हैया लाल ने सौभाग्यवती अरे उसको बनाया गए और बोले बहना जल्दी चलो मेरे साथ, लेकिन जहां मैं तुमको ले जाऊं वहां तुम लंबा सा घूंघट डाले रहना बस बस। और कन्हैया लाल द्रौपदी को लंबा सा घूंघट डाल के ले गए और पितामह के सामने खड़ा कर दिया। पितामह ने सोचा ये दुर्योधन की पत्नी आ गई, तो पितामह ने कह दिया जाओ अखंड सौभाग्यवती रहो, यानी आशीर्वाद द्रौपदी को मिल गया। अब जब मिल गया तो देखे कन्हैया भी साड़ी पहने हैं, द्रौपदी भी साड़ी पहने हैं, तो ऐसा लग रहा है पुत्र वधू का पितामह से, पुत्र वधू का पितामह से कराने मिलन। दोनों जा रहे हैं और देखने में लगते दोनों जो सुंदर दुल्हन, लेकिन रिश्ते में है दोनों देखो भाई और बहन। माइकल ये है, लेकिन रिश्ते में है दोनों देखो भाई और बहन। लेकिन रिश्ते में दोनों सजनी और सजन, लेकिन रिश्ते में दोनों एक माँ और लगन, लेकिन
हमको तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा पानी भिजवा दीजिए। मामला रास्ता कुछ भटक गया है, सवाल लग रहा है कि मामला रिश्तेदारी में ही फंसे। गीत आया कि हाथ पकड़ कर ले चल सैया, हो जाए जबकि मैंने नहीं कहा। राखी जी का कहना है कि हाथ पकड़ कर ले चल सैया, अरे तू चाहे पर सैया ले जाई लेकिन रिश्ते में है दोनों माय और बहन, माय और ललन सजनी सजन, भाई और बहन। है मामला टिपिकल है, मामला टिपिकल है। उमेश जी की सुनिएगा, शायद पहुंच जाऊं मैं आपके पास। अरे त्रिदेव जिस दरबार में जिनकी चौखट पे खड़ा हूं मैं जवाब भी वहीं से ला रहा हूं। सुनिएगा कि त्रिदेव तो माने जाया है। हेलो ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी
लेकिन रिश्ते में है तीनों। आपने दो कहा, मैं कह रहा हूं कि लेकिन रिश्ते में है तीनों। देखो भाई और क्या बात, सोचिएगा कि सजली और सजना का देखो और होता लेकिन रिश्ते में तीनों हैं। और एक रिश्ता देखते हैं, आप सब लोग जान जाए कि नातिन नातिन समझते ना कि आपकी तरफ क्या कहते हैं। अरे नातिन बड़ी भौजाई है, बड़ी भौजाई है, नातिन बड़ी भौजाई है। और सीता यह है कौन? सीता, अरे सीता जनक की जाई है। शेष के अश्रु से आंखों से दो बूंद गिरे, एक से सुलोचन, एक से सुनैना। सुलोचन मेघनाथ की पत्नी हो गई, सुनैना जनक की पिता भी थे। अब अरे लक्ष्मण लक्ष्मण राम के भाई, लक्ष्मण राम का भाई है, लक्ष्मण राम का भाई है। वैशेष छवि अति छाई है, ऐसा उतारी बने लक्ष्मण, वही राम के भाई, वही सीता के देवर। अरे देव हरि और भाई सीता देव,
राधा बन जाओ। पार्वती कह रही है भोले नाथ से इच्छा आप राधा बन जाओ, मैं कन्हैया बन जाती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। राधा जी क्यों बन गए, कि राधा परेश्वर त्रिपुरारी और मोहन बन गई, मोहन बले गौरा शोभा सजन भाई बहन। एक विशेषता आपके लिए तो आप कहें कि मैं कह दे रहा हूं दोनों नारी बन गए, लेकिन आप रिश्ता की बात देखें तो जितने रिश्ते आपने दिखाए वो रिश्ते आपके सामने। अरे प्रेमी और प्रेमिका का बाधा क्या है, अरे प्रेमी लेकिन रिश्ते में है देखो दोनों दूल्हा और दुल्हन, लेकिन रिश्ते में है दोनों आपका कलाकार।